students work from home online classes from st angels public school Baghpat. students in the second part of the chapter indigo we read that the most of arable land uh, in the champaran district was divided into the large states and owned by the englishmen and the indian tenants worked there and they were compelled to grow the indigo harvest

जर्मनी है डेवलप्ड मीन जर्मनी ने डेवलप किया इंडिगो सिंथेटिकलिफिशियल इंडिगो तैयार किया है दे देर अपॉन ऑपटेड एग्रीमेंट फ्रॉम द शेयर क्रॉपर्स टू पे दम कंपनसेशन फॉर बींग रिलीज फ्रॉम द फिफ्टीन परसेंट अरेन्जमेंट और तभी से उन्होंने एक नया कॉन्ट्रेक्ट एक नया सिस्टम जो था शेयर क्रॉपर्स के साथ स्टार्ट किया टू पे दैम कम्पनशेषन कॉम्पन्न मीन्स टू मेक फॉर मीन्स हर जाना देना कॉम्पनशेशन फॉर बींग रिलीज रिलीज मीन्स टू फ्री दैम टू मेक दैम फ्री आजाद करना फ्रॉम द परसेंट अरेंजमेंट मतलब ये जो फिफ्टीन परसेंट का एक पुराना कॉन्ट्रेक्ट चला आ रहा था जिसके तहत वहां के किसान शेयर क्रॉपिंग कर रहे थे ब्रिटिश सॉरी uh, लैंडलॉर्ड्स के साथ तो वो अब उनको वहां से अगर आजाद होना है तो उन्हें क्या करना होगा उन्हें इसके लिए हरजाना देना होगा द शेयर क्रॉपिंग अरेंजमेंट वॉज इरक्सम टू द पेजेंट्स और अब फाइनली ये जो शेयर क्रॉपिंग अरेंजमेंट का सिस्टम था ये पूरी तरीके से तकलीफ देने वाला एक इरक्सम मीन्स डिफिकल्टी परेशानी देने वाला उनके लिए बन गया एंड मैनी मैनी साइन विलिंगली और बहुत से किसान ऐसे थे बिकॉज दे आर इलिटरेट और लैंडलॉर्ड उनके लिए गॉड की तरह थे तो उन्होंने उस बिलीव के अंदर अपनी इच्छा से विलिंगली मीन्स बाई देर ओन विल अपनी इच्छा से उनको साइन कर दिया दो रजिस्टर्ड और वो लोग जो रजिस्टर्ड मीन्स अपोज जिन्होंने इस चीज का विरोध किया इंगेज लॉयर्स उन्होंने लॉयर्स को इंगेज किया engaged

कि कोई उधर से लॉयर को हायर कर रहे हैं इधर से जो ज़मींदार हैं वो ठग को हायर कर रहे हैं इन द मीन टाइम ये जो इन्फॉर्मेशन थी ये जो जानकारी थी अबाउट द सिंथेटिक इंडिगो कि कोई आर्टिफिशियल इंडिगो आ गया है ये इलिटरेट जो पीजेंट थे जिन्होंने पहले ही साइन कर दिए थे उन तक भी पहुँच जाती है एंड दे वॉन्टेड देयर मनी बैक और अब वो ये समझ जाते हैं कि ये और कुछ नहीं है ये जमींदारों की ट्रिक है कि वो हमें आज़ाद करने के नाम पर हमसे और पैसा लेना चाहते हैं मार्क द डिफिकल्ट वर्ड हेयर सिंथेटिक रिलीज कंपनशेशन एंड अरेंजमेंट वी हैव ऑलरेडी डन अरेंजमेंट मी सिस्टम विलिंगली इरक्सम इलिटरेट नाउ कम टू द नेक्स्ट पार्ट एट दिस पॉइंट गांधी अराइव्ड इन चंपारण और इस समय मतलब जब ये सिचुएशन uh, चल रही थी जब ये टोटली totally जो मैटर था वो ये चल रहा था रिगार्डिंग इंडिगो शेयर क्रॉप इंडिगो एंड शेयर क्रॉपर्स तो उस समय गांधी जी वहाँ पर पहुंचे स्टूडेंट्स नंबर ऑफ टाइम्स वी फाइंड द क्वेश्चन दैट एट वॉट टाइम गांधी रीज एट चंपारण और वट वॉज द एंशंट अरेंजमेंट ऑफ द शेयर क्रॉपर्स या व्हाट वॉज द ओल्ड कॉन्ट्रैक्ट या अंडर विच द शेयर क्रॉपिंग सिस्टम वॉज गोइंग इन चंपारण इस टाइप के क्वेश्चन जो हैं इस जगह से हमें आते हैं और बहुत इम्पॉर्टेंट है ये पैरा ही बिगेन बाय ट्राइंग टू गेट फैक्ट मीन्स गांधी जी ने अपना काम वहाँ पर स्टार्ट किया फैक्ट को कलेक्ट करते हुए फर्स्ट ही विजिटेड द सेक्रेटरी ऑफ द ब्रिटिश लैंड लॉर्ड एसोसिएशन सबसे पहले जो ब्रिटिश लैंड लॉर्ड एसोसिएशन के सेक्रेटरी हैं वो उनसे मिलते हैं द सेक्रेटरी टोल्ड हिम दैट दे could गिव नो no information टू आउटसाइडर सेक्रेटरी ने उनको इन्फॉर्म किया कि हम जो आउटसाइडर आउटसाइडर मतलब जो बाहर से आए हैं हम उनको कोई information प्रोवाइड नहीं करते गांधी answered दैट ही was नो आउटसाइडर गांधी जी ने उनको जवाब दिया कि वो कोई आउटसाइडर नहीं है वो वहीं से ही बिलोंग करते हैं नेक्स्ट गांधी कॉल्ड ऑन द ब्रिटिश ऑफिशियल कमिश्नर ऑफ तिरहट डिवीज़न इन विच द चंपारण डिस्ट्रिक्ट ले अब ये जो चंपारण डिस्ट्रिक्ट है ये कौन से डिवीज़न में आता है तिरहट डिवीज़न में आता है तो वहां के जो ब्रिटिश ऑफिशियल कमिश्नर थे उन्होंने गांधी जी को बुलाया द कमिश्नर गांधी रिपोर्ट्स गांधी जी रिपोर्ट करते हैं मैं तो गांधी जी बताते हैं प्रोसीडेड टू बुली मी प्रोसीडेड मीन्स मूव फॉरवर्ड आगे बढ़ना बुली बुली मीन्स टू पुश बैक पीछे की तरफ धकेलना तो गांधी जी बताते हैं कि यहाँ तक कि कमिश्नर खुद उठकर आगे बढ़ा मुझे पीछे धकेलने के लिए एंड एडवाइज मी फोर्थ विद टू लीव तिरहट और मुझे इस बात की एडवाइस दी कि मैं बहुत जल्दी वहाँ से मतलब ये जो तिरहट डिवीज़न है ये मैं छोड़ के चला जाऊँ गांधी डिड नॉट लीव लेकिन गांधी जी ने ऐसा नहीं किया इन ही प्रोसीडेड टू मोतिहारी द कैपिटल ऑफ चंपारण बजाय वहाँ से बैक होकर लॉट आने के गांधी जी आगे बढ़े और जो चंपारण की कैपिटल है मोतिहारी इट इज द नेम ऑफ प्लेस तो वहाँ वो चले जाते हैं सेवरल लॉयर्स अ कम्पेंड हिम बहुत सारे लॉयर उनके साथ जुड़ जाते हैं एट द रेलवे स्टेशन अ वास्ट मल्टीट्यूड ग्रेटेड गांधी वास्ट मीन्स और मल्टीट्यूड मीन्स क्राउड ग्रेटेड मीन्स टू मीट गांधी जी से मिलने के लिए एक बहुत बड़ी विशाल भीड़ जो है रेलवे स्टेशन पे जमा हो जाती है ही वेंट टू अउस एंड यूजिंग इट एज हेडक्वाटर गांधी जी वहाँ एक घर में जाते हैं और उसी को ही अपना क्वार्टर बनाकर continued his इन्वेस्टिगेशन इन्वेस्टिगेशन मीन्स लुक इन टू मीन्स किसी भी मैटर को अच्छे से जाँचना परखना मीन्स उसकी जाँच पड़ताल करना तो पूरा उन्होंने वहाँ से वो जांच पड़ताल का काम उसी घर को ही अपना ऑफिस बनाकर वहाँ से उन्होंने स्टार्ट किया सेक्रेटरी एंड बुली देन प्रोसीडेड एंड इन्वेस्टिगेशन वास्ट मल्टीट्यूड दीज आर द डिफिकल्ट वर्ड इन दिस पैरा कम टू द नेक्स्ट वन रिपोर्ट इन दैट that a हैड बीन been maltreated इन nearby village. विलेज एक रिपोर्ट आती है कि पास के ही गाँव में किसान के साथ किसी किसान के साथ माल ट्रीटेड माल ट्रीटेड मीन्स इल ट्रीटेड बुरा व्यवहार करना किसी के साथ तो किसी किसान के साथ बुरा व्यवहार किया जा रहा है गांधी डिसाइडेड टू गो एंड सी द नेक्स्ट गांधी डिसाइडेड टू गो एंड सी गांधी जी ने डिसाइड किया कि वो जाएंगे और देखेंगे द नेक्स्ट मॉर्निंग ही स्टार्टेड आउट ऑन द बैक ऑफ एन एलिफेंट और अगले ही दिन वो हाथी की सवारी करते हुए फाइनली वहाँ के लिए निकल जाते हैं ही हैड नॉट प्रोसीडेड फार वेन द पुलिस सुपरिटेंडेंट मैसेंजर ओवरटूक हिम अभी उन्हें ज्यादा दूर नहीं गए होते हैं वो मतलब अभी ज्यादा दूर वो आगे नहीं बढ़े होते तभी पुलिस सुपरिन्टेंडेंट का जो मैसेंजर है ओवरटूक ओवरटेक मीन्स केम फ्रॉम बिहाइंड पीछे से आगे के रोकना बिहाइंड ओवर टू हिम एंड ऑर्डर्ड हिम टू रिटर्न टू टाउन और उसने आकर उनको ऑर्डर किया कि आप अभी वापस गांव में कस्बे में आप चलो अभी इन हिज कि मीन्स अब मेरे साथ आप वापस अभी गांव में चलो गांधी कंपाइल्ड गांधी जी उसकी बात को एग्रीड कंपाइल्ड मीन ओबेड एग्रीड मान जाते हैं द मैसेंजर ड्रॉ गांधी होम वेयर ही सर्वड हिम एन ऑफिशियल नोटिस गांधी जी को वो वापस लेके आता है उसी घर पे जहाँ पर वो रुके हुए थे और उनको एक ऑफिशियल नोटिस देता है तो क्विट चंपारण इमिडिएटली क्विट मीन्स लीव छोड़ देना कि आप अभी ही इसी समय चंपारण छोड़ दीजिए गांधी साइंड आ रिसीव फॉर द नोटिस एंड रॉड ऑन इट दट ही वुड डिस द ऑर्डर गांधी जी ने नो no डाउट उसको लिया ऑर्डर को और उसकी जो रिसिप्ट होती है उसके ऊपर सिग्नेचर भी किए लेकिन साथ में यह भी लिख दिया कि ही वुड डिसोबे द ऑर्डर कि वो इस ऑर्डर को मानने से इनकार करते हैं डिफाई डिसोबे मीन्स डिफाई आज्ञा पालन नहीं करना या इस आज्ञा को मानने से वो इनकार करते हैं इन कॉन्सिक्वेंस और रिजल्ट क्या था इसका गांधी रिसीव्ड अ समन समन्स मींस कोर्ट ऑर्डर टू अपियर इन कोर्ट द नेक्स्ट डे और अगले ही दिन गांधी जी को कोर्ट में बुला लिया जाता है तो उसके लिए समन उनको जारी जारी कर दिए जाते हैं मार्क करिए डिफिकल्ट वर्ड कंपाइल्ड एंड वर्ड दैट इज रिस एंड डिस कॉन्सिक्वेंस एज अ रिजल्ट और समन्स मीन्स कोर्ट ऑर्डर स्टूडेंट्स मार्क दिस पार्ट हियर we will start its fifth part in our next class i will upload the related assignment try to do them in your fair copy thank you have a nice day